जय बाबा की। उपस्थित सभी भक्तजन साक्षात दरबार रामा पीर का चार खून 14 भवन में अखंड ज्योत थारी पल पल चमत्कार करने वाले दीस्ता देव मरुधर के राजा पिशमधरा के बादशाह पीरों के पीर रामसा पीर बाबा रामदेव जी महाराज का जम्मा जागरण रामदेव जी का जम्मा जागरण। और मैं समझता हूं इस गोड़वाड़ में खाने तो बोलते हैं ना हम लोग मारवाड़ झावे जाने गोड़वाड़ झावे सारी ने गुजरात खम्मा गावे परंपरा यहां से ही शुरू हुई है गोड़वाड़ और सारा गोड़वाड़ मौजूद दूर दूर से भी भगत पधारे हैं। जैसे जालौर से मेरे कार्यक्रम हो चुके हैं सिरोही से भी काफी मित्र आए हैं और विशेषकर ब्यावर ब्यावर क्या बात है महावीर जी बाबा के परम भगत इस कार्यक्रम को सुनने के लिए भक्तों का पद फेरा हुआ है हरिओम परिवार वाकई में भाग्यशाली है भक्त दूर दूर से आए हैं। तो ये ब्यावर से महावीर जी और बीकानेर से रामदेव जी अग्रवाल बाबा के परम भगत वहां के व्यवसायी और भी नावा सिटी से फलोदी से कहां कहां से भक्त इस गोड़वार परिवार से मिलने आए हैं। यहां बैठे हुए महान संत समुदाय से मैं प्रणाम करते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। वैसे मेरा निवेदन है संत समुदाय को अगर यहां ऊपर कहीं बिठा दे तो अच्छी बात है कोई बात नहीं देख ले जैसे भी है आपको और जय जयकार करते हुए हम प्रारंभ करते हैं रामदेव जी का जम्मा शांति। देखो मेरे शब्द आप तक पहुंचेंगे तभी आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बार इस एरिया में मैं पहली बार जम्मा जागरण कर रहा हूं। अभी तक मैंने भजन संध्याएं यहां कंदरा हनुमान में भी की दो बार सिरोही भी की जालौर भी की भीनमाल भी की लेकिन जम्मा जो मेरी विशेषता है बाबा रामदेव जी कृपा है ये जम्मा ये मारवाड़ी सब्जेक्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए पहली बार ये कथा अमृत का दरबार है। नाच कूद तो होगी लेकिन कथा अमृत ज्यादा चलेगी। इस महान दरबार को संजो के रखे बड़े भाग्य से रामा पीर का आगमन साक्षात जम्मे के रूप में यहाँ हो रहा है। जम्मा यानी आप सबका जमा होना जम्मा यानी जमा वाड़ा जम्मा का मतलब जम्मा जागरण और जम्मा यानी आपके खाते में आज की रात जमाई जमा ये बड़े भाग्य की बात है। आनंद लेते हैं जय जयकार करते हुए प्रथम आरती से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। वैसे मैं आज बोलूंगा और गाऊंगा कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा ये बैठक का कार्यक्रम है अपनी अपनी सीट रिजर्व रखे रामदेव जी महाराज स्वयं आपके पास आएंगे और जय जयकार करते हुए आनंद लेते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं रामदेव जी का जम्मा जागरण। और ये मेरा 2425वां कार्यक्रम 2425 इन शिवगंज बाबा रामदेव जी का जम्मा मेरे इतिहास में लिखा गया 2425वां कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए गोपाल बजाज बाबा का एक नादान भगत आपके सामने रामदेव जी का जम्मा प्रथम आरती का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। शांति बना के रखे अपनी जगह बैठे प्रथम आरती में रामदेव जी महाराज का आवाहन दूसरी आरती जन्म की आरती होगी जो हम करीब 1:30 बजे करेंगे। तीसरी आरती रामदेव जी के ब्यावले की आरती होगी जो हम सुबह 5:30 बजे करेंगे। ये महान रात आपके सामने एक बार दोनों हाथ उठाकर ये विशाल मेला मैं कहना चाहता हूँ हेलो एक मिनट मेरे साथ जो दूर से पधारे हैं बीकानेर से ये लोग ब्यावर से ये लोग दंग हो गए हैं कि हम बाबा के जम्मे इतने सुनते हैं इतने कराते हैं लेकिन इस एरिया में भी जम्मे में इतने लोग जैसे मानो मेला लगा है रामदेवरा में। और सचमुच हरिओम परिवार जिन्होंने जा की जैसी भावना वैसो फल पासी उन्होंने साक्षात दरबार को पाया रामदेव जी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और उस पर आयोजित रामदेव जी का जम्मा जोरदार जयकार बोल महाराज कवार की बोल अजमल घर अवतार की बोल द्वारिका के नाथ की हाँ अली
शांति, शांति निवास है ईश्वर का, शांति प्रक्रिया है ईश्वर तक पहुंचने की, शांति देवता है मन का, तोरा मन दर्पण कहलाए। और आज आप सबके लिए ये महान ज्योत चार खूर 14 भवन में अखंड ज्योत धारी आप सबका आईना बनकर दर्पण बनकर आपके लिए यहां मौजूद है। इस महान ज्योत का वास्ता मस्ती अति आवश्यक, लेकिन सच्चे दरबार में एक क्षण के लिए आत्मिक शांति। ओ ओ गजानंद प्यारे रिद्धि सिद्धि सदन दुख विनाशन हारे गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जग जननी मां शारदा तेरी ज्योति अटल महान है, तू है वीणा वादिनी मां तेरी निराली शान है। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सोगांव, कन्हैया की बांसुरी नंदगांव, मानो आज ये सारा शिवगंज नंदगांव बन गया। हम ग्वाल बाल बनकर भगवान द्वारिकानाथ के साक्षात अवतार रामदेव जी महाराज का जम्मा जागरण अटेंड कर रहे हैं। आ वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सोगांव, बंसीवट सोवट नहीं और श्री कृष्ण नाम सोना। जय हो बलगिराज धरण की, जय हो। प्रभु का दरबार, और बड़ी खुशी की बात, वैसे मैं कार्यक्रम में रुकता नहीं हूं, मेरी अपनी स्टाइल है, मैं किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनके लिए रुकना पड़ता है। मैं ये सूचना देना चाहता हूं आपको कि इस शुभ मुहूर्त पर विशेषकर रुणिचा धाम रामदेवरा से परम पूज्य आदरणीय दर्शन करो बाबू इधर आइए, परम पूज्य आदरणीय प्रेमनाथ जी महाराज
अन्य क्षेत्र से सम्मिलित यहाँ पधारे हैं। इस शुभ मौके पर जो प्राण प्रतिष्ठा है और भी संत लोग आए हैं, मैं उन सबको प्रणाम करते हुए कृपया इनको बैठने के लिए सुस्थित स्थान दे, बाबा के दर्शन कराएं और पीछे मत करें, यहाँ थोड़ा आगे लाए, यहाँ बिठाए और जय जयकार करते हुए रामदेव जी महाराज का जम्मा चालू प्रारंभ। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सो गांव, बंसीवट सोवट नहीं और श्री कृष्ण नाम सोना। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण कंब के गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामदेव जी महाराज का जम्मा प्रारंभ हो रहा है। ये कथा रूप अमृत आज बरसने को तैयार है आपके सामने। मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि भजन संध्या अलग कार्यक्रम है, ये जम्मा जागरण है। मैं आपको उस स्वार्गिक आनंद में ले जाना चाहता हूँ जहाँ तक पहुँचना नसीब वालों को मिलता है। तीन आरतियों का संपुट, प्रथम आरती से हम रामदेव जी का आवाहन करेंगे, दूसरी आरती पर मध्यांतर करेंगे और तीसरी आरती पर कार्यक्रम का समापन। साक्षात दरबार में बाबा का आवाहन, वो परिवार जिसने रामदेव जी महाराज को बुलाया है, ये जागरण आयोजित किया है, जिन्होंने जोड़े से पूजा की है इस ज्योत की, वो लोग आरती करेंगे। आप कृपया यही सब बैठकर आराम से अपनी जगह पर ताली के साथ इस आरती में सम्मिलित हो जाइए। रामदेव जी महाराज का आवाहन, प्रथम आरती, रामदेव जी की जागृत पुण्यदायी मारवाड़ी आरती। राम राजा भाई सुगना भाई तेरे हर किया बोलो जियो माटी चवर झूले मैं कोठा मेरा मां होए हर किया हो धीरज मिठाई रे बाबा चढ़े सारे चूर मां धीरज मिठाई रे बाबा चढ़े सारे चूर हर धूपारियो महका है बड़े राजा भाई सुगना भाई तेरे राजा भाई सुगना भाई करे हर किया बोलो हरे जियो भाई रामदेव जी महाराज की आरती मैं कोठा मेरा मां होए हर किया हो खम्मा महाराज बाप जी ने सारो झुक ध्यारे बोलो खम्मा महाराज बाप जी ने सारो झुक ध्यारे ओ अजमल जीरा तो मेरा रो भेद नहीं पावे अजमल जीरा तो मेरा रो भेद नहीं पावे हो
झुके प्यारे द्वारका राजधानी सारो झुके अरे जैसी जारी भावना वैसो फल पाए जैसी जारी भावना वैसो फल पाए अरे गंगा रे यमुना बेवेरे सरस्वती गंगा रे यमुना बेवेरे सरस्वती अरे राम देव बापो स्नान करे राजा बारी सुगना बारी करे अर्पियार बोलो अरे जियो बाजी चवर झूले मैं कूटा मेरा माँ होवे अर्पियार राम देव बाबो दिल कह करे लाचा भाई सुखना राम जी का मानो रे बहुत पीस द गोल बन जा जियो भाई चवर ढूले मैं कोठा मेरा मां होवे हरकिया अरे आंधलिया ने आख्या देवे पांधड़ा ने पाव देवे आंधलिया ने आख्या देवे पांधड़ा ने पाव अरे आंधलिया ने आख्या देवे पांधड़ा ने पाव देवे आंधलिया ने आख्या देवे पांधड़ा ने पाव अरे बापू पांझड़ियारा बापू पांझड़ियारा पालनिया झुलावे जियो नाचा भाई सुखना भाई तेरे हर जियाए आजी तेरे जियो भाजी चवर ढूले लाचा भाई सुगना भाई करे हर की यार बोलो अरे जियो भाजी चवर ढूले मैं कोठा मेरा माँ होवे हर की यार साक्षात दरबार मैं भाग्य वालों को नसीब होता है हजार खाली रामदेव जी आ रहे मारा बाप जीरा बाप जीरा पकड़िया पूछी जे जियो नाचा भाई सुगना भाई करे हर की यार बोलो हर जियो भाटी चवर ढूले मैं कोठा मेरा माँ होवे हर की यार हो हरि शरणा मेरे भाटी हर जीरे बोलिया हरि शरणा मेरे भाटी हर जीरे बोलिया लाचा भाई सुगना भाई करे हर की यार बोलो अरे जियो भाटी चवर ढूले मैं कोठा मेरा माँ होए हर की यार हो पिछमन धरा तुम्हारा पीर जी पधारिया पिछमन धरा सुम्हारा पीर जी पधारिया लाचा भाई सुगना भाई करे हर की यार अरे जियो भाटी चवर ढूले मैं कोठा मेरा माँ होवे हर की यार बोलो मैं कोठा मेरा माँ होवे हर की यार मैं कोठा बाबा जी
दिया है राम देव बाबू लूड़ी चारों चार।